तवा अंडा फिराई। उसके लिए हम ले लिया 14 अंडा और जितने भी आप 5 10 5 जितने भी ले सकते, पानी ले लिया। इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, डाल के इसमें सीम आँच करके बिठा के रखेंगे, उबाल लेंगे अंडा को ना। पहले सीम आँच करके ना खोलाएंगे, पहले सीम आँच करके रखेंगे ना, फिर खोल जाएंगे ना, तब जोर करिए, नहीं तो ना पहले शुरू में तेज आँच करेंगे ना तो आपका अंडा फट जाएंगे, नहीं तो देखिए फटे ही नहीं। देखिए अभी अभी तेज आँच कर दिए, ठीक है। मसाला क्या लगेंगे आपके डब्बे में, जो भी मसाला लगे थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। चाट मसाला खाली ज़्यादा लगे, चाट मसाला नमक थोड़ा सा, काला नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये भुना जीरा, काली मिर्च कुटी हुई, और दरदरा धनिया कुटा हुआ, और ये गरम मसाला थोड़ा सा, और कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा, रेड रेड अच्छा लगता है देखने में भी। और ये ना ये किचन किंग मसाला, आपका मसाला है तो डालो, नहीं तो मत डालो। ये थोड़ा सा हल्दी, और ये हमारा पेड़ का कड़ी पत्ता, और हरी मिर्च तो आप जितने चाहे डालो, आपको जैसे खाना है। आधी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया, और ये एक टमाटर चॉप कर लिया देखो डाइस में, और थोड़ा सा शिमला मिर्च को ले लिया, दो बड़े बड़े प्याज को ऐसे लंबा काट लिया, थोड़ा सा तेल भी, थोड़ा सा मक्खन भी। फिर आपको दिखाते, देखिए अंडा अंडा कैसे छील लिया पूरा एकदम, और ये कोई भी टूटा नहीं है। देखिए ये देखिए, ये ना ये अंडा ऐसा होता है फ्रिज में रखने से ना, फ्रिज से अंडा निकाल के फिर उबालने से ना अंडा छिलका अच्छे से छिलता नहीं है। और देखिए ऐसे बाहर आप एक घंटा पहले, आधा घंटा पहले छोड़ देंगे, और थोड़ा सा एक चम्मच नमक डालने से देखिए कैसे छिलका निकल जा रहा है। देखिए कितना अच्छा, कोई कुछ नहीं हुआ, देखिए है ना, सब देखिए ऐसे करके हाथ में रख के ऐसे काट लेंगे, उसको बोएंगे। देखिए सबसे बेस्ट है, ऐसे पकड़ के काट दो, ऐसा रख, रुकते नहीं होता, ऐसा रखो ऐसे काट लो। ऐसा रख के वैसे होता ही नहीं काट, अच्छा अच्छा यही अच्छा होता है। सबको काट लेंगे, जैसे थोड़ा सा तेल डाले, थोड़ा सा एकदम खाली मक्खन मत डालिए, क्योंकि मक्खन खाली डालने से उड़ जाता है। तेल और मक्खन मिला के डालेंगे ना उड़ेगा नहीं। अब अंडा डाल दो, बोलते नहीं सीधा नहीं होंगे, बहुत सारे हैं, आधा ही कर लेते, फिर आधा है। चलो फिर सोचा फ्राई कर लेते, पक गया तो थोड़ा सा और एक तरफ पलट देंगे, पहले बीच वाला पलटेंगे क्योंकि बीच में ज़्यादा आँच तेज रहता है। फ्राई कर लिया, देखिए लाल लाल कर लिया, और देखिए अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा तेल डालें। अब देखिए प्याज एक साथ डाल देंगे, डाल के अब इसमें तेल भी डाल देंगे, बाजार में देखना ऐसी करके कोई चले ढक देता है, बस 2 मिनट ढक देता है।
ऐसा मसाला पकने लगा तो सॉफ्ट हो गया। ये जो मसाला है ना इसको सब एक साथ मिला लेंगे, सब मिला लेंगे, मिला के इसमें 80% खबिज में डाल दो। ये करी पत्ता भी डाल दो, थोड़ा सा पत्ता भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल, नहीं तो नीचे मसाला डालने लगेगा। अब इसमें तेल कम है, अब इसमें एक चम्मच मक्खन मिले, ठीक है। और इसको पूरा फैला दो, अच्छा सिम कर दो, अच्छी तरह तेज आंच में बना रहे थे। ये देखिए सब अंडा कैसे डाल दो इसके ऊपर, देखिए हरी मिर्च को ना हम इसको छिटक देंगे, है ये हरी मिर्च, प्याज ये मसाला ना खाने में बहुत अच्छा लगे हैं। तो हम इसके साथ एक पाव भाजी का ब्रेड भी ले लिया बना के, दिखाइए दिखाए, ये कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए रखे थे। ये जो मसाला रखे चारों तरफ इसको छिटक देंगे, ये धनिया, ऐसे सब का खाओ। बस हो गए, अब प्लेट में ले लेके सबको देंगे, ऐसे खाएंगे। तवा फ्राई बनाए अंडा, ऐसे आपके पास लोहे का तवा, मैं इसीलिए ये वाला तवा ली तो ऐसी चीज़ बनाने के लिए। इसमें तो हम कलेजी फ्राई भी बनाए, आपको वीडियो बनाए दिखाएंगे आपको, और ऐसे करके बनाइए। और बच्चे को भी ना बाजार का खाने के अच्छा नहीं करेंगे, ऐसे फटाफट अंडा उबालो, ऐसा बनाओ और उसके साथ ऐसी पाव भाजी भी ला के दे दो मसाले के साथ, ऐसी खाली भी खाने पसंद करेंगे। घर में ऐसे कुछ खाना पसंद नहीं है तो ऐसा बना दो। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू। देखिए